थोड़ा गूंगा है, वो सुन भी नहीं रहा था। आगे जाओ ना, आगे आगे जाओ, आगे ऐसा ही लगे जाओ। ओ हाँ, थोड़ा वो गूंगा है, सीटी मारने से सुनता है, और नहीं तो ऐसा कितना भी घस के बोल देंगे ना तो नहीं सुनेगा, और सीटी मार देंगे ना ऐसा तो सुन लेगा। देखिए सुन लिया, राख दिया, ओए ओए ऐसा कुछ भी बोलेंगे ना तो नहीं सुनता है, थोड़ा उसका कान का प्रॉब्लम है। और दोस्तों हवा हुड़ी का दिन आ रहा है, बहुत ही ज़्यादा आंधी तूफान आएगा, तो इसीलिए मैं सोच रहा हूँ कि इसे अच्छे से बना दें, क्योंकि ये सब ईंटे की थाक लगा लगा करके रखा हुआ है, बांस और बांस के ऊपर रखा हुआ है, कभी भी हवा हुड़ी आएगा ना तो ये गिरेगा ना तो बहुत ज़्यादा ही नुकसान पुकाएगा, ईंटा उटा किसी के देह पर गिर जाएगा, हाथ गोड़ कुछ आ जाएगा, मुड़ी उड़ी फूट जाएगा, तो इसीलिए सोच रहा है कि इसे बना दे आज। और अभी दोपहर का 2 बज रहा है, देखते हैं कितना समय लगता है हमको बनाने में। रब्ता जी क्या बन रही है बताइए? टिकिया बना रहे हैं, ये गेट पर्दा के लिए है ना? हाँ। तो ये टिकिया बना रही है, और यहाँ पर देखिए ये ईंटा है, ईंटा के थाक लगा लगा करके रखे हुए है ना, तो ये गिर जाएगा ना किसी के देह हाथ पर तो ये सब घर भी नीचे की तरफ आ जाएगा, चारों तरफ ईंटे के गोड़ा लगा लगा करके थकिया थकिया करके रखे हुए, तो इसीलिए मैं सोच रहा हूँ कि अच्छे से इसे बना दे। और अभी तो बहुत ज़्यादा ही धूप लग रहा है, पसीना पसीना आ रहा है यार पूरे चारों तरफ, तो अभी चलते हैं बांस काट के आएंगे, तो ये सब के क्लीन करेंगे, यहाँ पर से सब हटाएंगे, नीचे उतारेंगे, उसके बाद में बनाएंगे। बनाने में टाइम नहीं लगेगा, सिर्फ बांस काटने में और बांस लाने में टाइम लगेगा, तो जाते हैं बांस काट करके लाते हैं। तो वीडियो में बने रहिए दोस्तों शुरू से लेकर के अंत तक, और अपने छोटे भाई को सपोर्ट करते रहिए। गाइज अपने बांस के पास आ गए, इसी में से बांस उस काटेंगे, पापा और मेरा छोटा भाई बांस काट रहे हैं। वाह आ गया, एक एक आ गया, एक और काटना पड़ेगा, और बांस दोनों तो कट गया, अभी जाते हैं लेकर के। तो धूप तो बहुत ज़्यादा ही लग रहा है यार, और यहाँ पर देखिए धान का पौधा भी हो रहा है यार, भाग रहा है, देखिए कैसे भाग रहा है खींच करके बांस। ये ट्राइपॉड पकड़ने का उतना बांध नहीं है, हैबिट नहीं है ना, क्योंकि मैं हमेशा ऐसा ब्लॉग बनाता था, और आज मैं ट्राइपॉड में लगा करके ब्लॉग शूट कर रहा हूँ, तो इसीलिए थोड़ा हाथ बहुत हाथ दुख रहा है। और मेरा छोटा भाई तो बांस लेकर के घिसिया करके लेकर जा रहा है, देखिए यहाँ पर नीचे से यहाँ घिस करके लेकर जा रहा है, अरे बांस का पूरे पौधा पौधा है, बहुत ज़्यादा ही बांस है यहाँ पर कुछ, अरे ओए सुनता ही नहीं है यार, पक ऐसा उठा, ऐसा पकड़ करके लेके जाएंगे, घिसिया करके ले जा रहा था यार, पूरे पत्ता होता साफ कर देता घिसिया करके। और मैं अभी तो जा रहा हूँ घर की तरफ, तो चलिए दिखाते हैं हमारे गांव का कुछ व्यू। बांस ले आकर के रख दिए, छोटा भाई बांस काट रहा है, देखते हैं कितना समय लगता है काटने में। तो गाइस अभी बांस उस तो काट ली है, देखिए कितना सारा पसीना निकल रहा है शरीर से, टप टप गिर रहा है। और यहाँ पर देखिए दो बांस काट करके रेडी कर दिए, और इसे बनाएंगे तो आप सबके दिखाएंगे। देखिए यहाँ पर छेदा करके एक रड भी फंसा दिए हैं, यहाँ पर कबाड़ में भी दे देंगे इसे, कबाड़ वाला ले जाएगा। और चलते हैं पहले फर्स्ट में ये सब बांस वो हटा देते हैं, मेरा छोटा भाई आ रहा है तो गाइस अभी तो जा रहा है ये सब हटाने के लिए, और मैं और मेरा छोटा भाई मिल करके हटाएंगे। Sometimes I get so mad, there's no control in me. My thoughts get so bad, I'm like, I might grab a bat, I don't know. My wrath, my blood boils over like, oh God, here goes. I lost all feeling from my head to my toes. You said some shit that I can't let go, so just stay tuned for the rest of the show. So have you ever felt betrayed? Switches how you so have you ever felt betrayed? तो पूरे तो खंडर खंडर दिख रहा है यार, चारों तरफ के हटा दिए, देखिए कैसा दिख रहा है, पूरे ये बाटा का ताट बना हुआ है ना, तो यही सिर्फ है, और मेरा छोटा भाई ये हटा रहा है, उधर ही छोटा उधर ही से
हैं। अरे वाह बांस गिर गया यार, रख दे यहीं पे। तो हटा दिए, देखिए कैसा दिख रहा है हमारा सीढ़ी घर अब। और अभी जाएंगे इसे थोड़ा क्लियर करेंगे, ऊँचा उठा हटा करके, और उसके बाद में यहाँ पर बांस से काट करके लाए उसे लगाएंगे और अच्छे से सीढ़ी घर बनाएंगे, क्योंकि बारिश के महीने में ना पानी नीचे की तरफ नहीं जाए, तो ऐसा बनाएंगे अच्छे से। तो अभी पहले पूरे ईंटा उठा हटा देते हैं। यहाँ पर ईंटा है थोड़ा बहुत, देखिए यहाँ पर ये ईंटा है, यहाँ पर है पूरे लाइन से था, और ये देखिए कैसा हिल रहा है, देख रहे हैं। गिरता किसी का देह पर गिर जाएगा ना, और किसी का मुड़ी उड़ी हाथ वो टूट जाएगा, फूट जाएगा, तो इसीलिए सब हटा करके नया घर बना रहा है। और देखिए यहाँ पर अफ्ताजी आ रहे हैं। तब कैसा लग रहा है सीढ़ी घर? हाँ अच्छा। तो यहाँ पर बांध दे रहा है कि भागेगा नहीं ये बांस इधर की तरफ, और वहाँ पर भी बांधना पड़ेगा, उधर भी नहीं भागेगा, बांध देंगे तो सही रहेगा। तो फाइनली दोस्तों देखिए हमारा तो बांध करके रेडी हो गया है झोपड़ी, ये एक गरीब का झोपड़ी है। और रत्ता जी यहाँ पर भाजा बनाने जा रही है ना रत्ता जी? हाँ। और देखिए कितना मस्त बनाए हैं, इधर से दिखाते हैं, इधर से भी कुबीना अच्छा दिख रहा है। एक गरीब का झोपड़ी है ये, और पैसा नहीं है ना इसीलिए थोड़ा बहुत ऐसा करके बनाया है। और विजय भैया का वीडियो देख करके थोड़ा बहुत नॉलेज मिला, तो मैं भी ऐसा सोच रहा था कि बना दे, क्योंकि नीचे से आने में या जाने में बहुत ज़्यादा दिक्कत था, और बैठ करके आना पड़ता था, बैठ करके जाना पड़ता था, और इसमें तब खड़े खड़े आएंगे और खड़े खड़े जाएंगे, है ना रत्ता जी? हाँ जी। तो बहुत ही अच्छा है, मैगी लेकर आया है और अचार लेकर आया है ना? हाँ जी। तो दोस्तों देखिए यहाँ पर भाजा वाजा तो बन गया है, ये लोग खा रहा है और मैं वीडियो रिकॉर्ड कर रहा हूँ यार, मुझे भी खाना चाहिए, थोड़ा बहुत तो खा लिए और खा रहा है, चलते फटाफट खा लेते पहले। ये नींबू का नीमकी है, गला के हुआ सूखा हुआ है ना, नींबू को गला करके बनाते हैं हम लोग ऐसा ही, बहुत अच्छा लगता है खाने में। और दोस्तों चलिए आज का ब्लॉग मैं यहीं पे समाप्त करता हूँ, और मिलता हूँ अगले नेक्स्ट ब्लॉग में। तब तक के लिए वीडियो अच्छा लगा होगा तो प्लीज़ एक लाइक करिए, और चैनल पर नए हुए तो सब्सक्राइब करिए, और बेल आइकन को दबा करके ऑल पर सेलेक्ट जरूर करिए दोस्तों, क्योंकि जब भी हमारा वीडियो है ना तुरंत आप तक पहुँचे। सो दोस्तों चलिए मिलते हैं अगले नेक्स्ट ब्लॉग में, बाय बाय।